बात है, माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ एक मजहब है। वरुण जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप तो सामाजिक कार्य बहुत करते हैं, लेकिन तब भी अगर आपके आपके दो घर हैं और आपके माता पिता के पास दो घर हैं और आपकी सरकार आपको एक दे दे और एक दे कह दे कि हम ले रहे हैं, तो आप भी उससे नाराज होंगे, आप भी नाराज होंगे। और बात सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पर तो एक पूरे के पूरे वर्ग को, पूरे पूरे समाज को आपने कह दिया कि ओबीसी है, ये तो आप संविधान ही बदलने चले और आरोप संविधान बदलने का आप किसी और पर लगा रहे हैं। सुचारिता जी, अभी मैंने जैन साहब को सुना, बड़े विद्वान वकील हैं, मुझे बताइए 2013 की बात कर रहे थे तो 10 साल से तो बीजेपी की सरकार थी ना, क्यों नहीं कर पाए कुछ भी, बदलाव कर लेते दोनों सदनों में इनकी मेजोरिटी, जैसे किसान कानून लाए आधी रात को फिर वापस लेके भागे, तो कर लेते बदलाव। कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है ना, हर चीज कांग्रेस की, और कांग्रेस इतनी मूर्ख नहीं है कि, मैंने आपको कई बार कहा कि 15 बोलते रहिए वरुण जी, मैंने कहा कि कांग्रेस इतनी मूर्ख नहीं है जो 15% मुसलमान वोटों के लिए काम करेगी, बाकी वोट लेने ही नहीं है। जो नरेटिव बीजेपी क्रिएट कर रही है ना फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के बाद, सर यही तो दिक्कत है वरुण जी, दिस इज द प्रॉब्लम। कांग्रेस तो, और हम हिंदू चैंपियन है वरुण जी, प्रॉब्लम यही है कि आपको मुस्लिम वोट चाहिए, आपको हिंदू वोट भी चाहिए, इसीलिए आप पीछे वाले दरवाजे से जाकर दे रहे हैं और आगे आप इसकी बात नहीं करते हैं। जब रैलियों में बोलते हैं तो आप कहते हैं आदिवासी पिछड़ों सबके लिए करेंगे, लेकिन वहां कर क्या रहे हैं आप? ओबीसी श्रेणी में आपने पूरा एक समाज घुसा दिया है, यही तो दिक्कत है। या तो फिर खुलकर बोलिए ना। मैं खुल के ही बोल रहा हूँ, आप बोलने दोगे जब बोलूंगा ना। मैं तो कह रहा हूँ मनरेगा को जो सोच के लाए थे तो इसलिए सोच के आए थे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मुसलमानों के लिए लाएंगे, आरटीई लाए, एजुकेशन का किसके लिए लाए थे, आरटीआई मजबूत करने के लिए, मेजोरिटी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए लाए। हम तो कह ही रहे हैं, हम आरक्षण की कैप का एक संवैधानिक सोल्यूशन निकालेंगे, उसका जो कैप है उसको हटाने का प्रयास करेंगे, जो वंचित वर्ग है उनको भी आरक्षण मिले। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, निजीकरण करके आरक्षण ही समाप्त कर दिया, बचा क्या, नौकरियां नहीं है सरकारी, आरक्षण दोगे गाय में? ये तो इनकी तो पॉलिसी पूंजीपतियों के लिए है ना, देश के लिए थोड़ी है, समाज अच्छा। के लिए नहीं, इनकी एक साइकोलॉजी है। अभी हाल फिलहाल तो कोई सास भी कभी बहू थी, वो सीरियल चल रहा है इनके दिमाग में साइकोलॉजी का, हर बात में कांग्रेस को दो सीटर ना, कांग्रेस ऐसी कांग्रेस वैसी। अरे भाई, हम तो बुरे हैं, हम तो, हमारा मैनिफेस्टो बुरा, आपको क्या दिक्कत है? आप अच्छा मैनिफेस्टो ले आओ, आप तो 10 साल से हो, क्यों नहीं ला रहे हो, क्यों नहीं बदलाव किए? ये सब जनता पूछ रही है, जनता समझ रही है, इनका पाखंडीकरण जो किया है इन्होंने निजीकरण के साथ, झांसा पट्टी झांसाकरण जो कर रहे हैं देश का, वो भी समझ रहे हैं। आप लोग कांग्रेस से ऑब्सेस्ड हैं, वो कह रहे हैं आप हर चीज में कांग्रेस की बात करते हैं, आप अपनी बात करिए, आपका ये ऑब्सेशन कांग्रेस ऑब्सेशन क्यों है? वरुण जी उनसे पूछ रही हूँ मैं, कर्नाटक में आप लोग आए थे, आपने वापस कर दिया रिजर्वेशन, ये वापस आए, इन्होंने फिर से दे दिया दूसरे दरवाजे से। सुचारिता जी, इसका आरक्षण का केस क्या है, मैं 10 सेकंड में सिर्फ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो है ओबीसी का आरक्षण कर्नाटका में लूटा है। कैसे? 930 सीटें थी मेडिकल पीजी की, उसमें से 150 सीटें जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी, जो कि टोटल 16% बनता है। मुसलमानों की 85 जातियां हैं, 85 की 85ों को जो है पिछड़े वर्ग में डाल दिया है, यानी कि ओबीसी का आरक्षण खा गए, छोड़ दीजिए। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि जितनी जमीन जो है इस देश में, आप, मैं, आपका परिवार, मेरा परिवार, संगीत जी का परिवार, जो वकील साहब है उनका परिवार, जितना भी कमाएगा 55% टू बी प्रिसाइज जो है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, बचा 45% भैया वक्फ को दे देना, क्योंकि वक्फ को 1995 और 2013 में जो आपने अधिकार दे दिए, 45% वक्फ पे चला जाएगा। हिंदुओं का बच्चा क्या करेगा, भीख मांगेगा सड़क पर बैठकर? हाथ में कटोरा देना चाहते हो आप, यही आपका एजेंडा है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल यही तो था। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, यहां पर वरुण पुरोहित ने कहा कि बीजेपी ने क्या किया, मैं बताता हूं ना बीजेपी ने क्या किया। 2013 में जो एक्ट आपने वक्फ के लिए बनाया था, उसमें 123 प्रॉपर्टी जो लुटियंस दिल्ली में दी थी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने आते ही सबसे पहले उस पर जांच बिठाई और सब वापस ली जा रही है जो 123 ली थी। तो ये तो हम कर रहे हैं। रही बात आरक्षण की, आपने तेलंगाना में 4% दे दिया, आपने रंगना कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको एड्रेस कर लिया था, उसमें 16% जो है वहां पर आपको आरक्षण देने की जरूरत पड़ गई थी मुसलमानों को, उस पर विचार होने लग गया था। इस देश में दलितों को, ओबीसीज को, एससीज को, एसटीज को, हिंदुओं को क्या करोगे भाई, सड़क पर लाओगे? उनके बच्चों के हाथ में कटोरा देना चाहते हो? 55% भी चाहिए, हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक वक्फ का वो भी चाहिए,
उसको भी मजबूत करेंगे, हमसे बांट कर किसी और को भी दोगे, दो घर में से एक घर भी उनको दोगे, तो हम तो सड़क पर बैठ जाते हैं ना, सारे सारे दलित सड़क पर आ जाते हैं, सारे ओबीसी सड़क पर आ जाते हैं, सारे हिंदू सड़क पर आ जाते हैं, सब मुसलमानों को दे दीजिए। लेकिन अगर यही हाल रहा तो जनता देख रही है, इस देश का जो बेटा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो बुरा नहीं होने देंगे। प्रोफेसर रागी और नाहिद जी के पास जाऊंगी। विष्णु जी, आप विष्णु जी देखिए, ये जो बात है मैं एक बार आपसे पूछ रही हूँ। प्रेम जी, अभी तो आपका नंबर आया भी नहीं था, काहे चिल्लाने लग गए, ये मुस्लिमों का नाम आते इतना काहे चीखने लगते हो। मैं एक चीज विष्णु जी आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि जब संविधान इसको अलाउ नहीं करता है तो फिर क्यों सरकारें खुलकर ये बात कहती रहती हैं कि हम 4% देंगे, हम 6% देंगे, फिर वो कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण पर एक संवैधानिक प्रतिबंध है और उसे दरकिनार करने का प्रयास राजनीतिक दल करते हैं। देखिए सुचरिता जी, मैं बताना चाहता हूं, इसकी आधारशिला मनमोहन सिंह ने 2005 में रखी थी, जब सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। अगर आप सच्चर कमेटी का पूरा रिपोर्ट देखेंगी, सच्चर कमेटी को एक प्रधानमंत्री ने बिना कैबिनेट डिसीजन के सच्चर कमेटी गठन किया, और सच्चर कमेटी गठन किस लिए किया गया, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के अंदर पिछड़े वर्ग को देखने के लिए। यहाँ पे मेरी बहन बैठी हुई है, मुस्लिम समाज से आती है। मैं पूछना चाहता हूँ भैया, मुस्लिम समाज में जातियों का कॉन्सेप्ट कब से आ गया? मुस्लिम समाज में तो जातियों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए अगर जातियों का बेनिफिट चाहिए, ओबीसी का बेनिफिट चाहिए, तो मुस्लिम समाज में जातियों का कॉन्सेप्ट भी आ गया। और ओबीसी वर्ग में आज आप देख रही हैं, अभी जैसे शिवम जी ने बताया 85% जातियां ओबीसी वर्ग में डाल दी गई, तो सच्चर कमिटी इसकी आधारशिला है। और सुचरिता जी, मैं सबसे यहाँ पे मेजर और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो इलीगल तौर से बनी हुई थी, और इनकी पूरी की जो राजनीतिक मंशा है वो एक वर्ग विशेष के लिए। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, आज इस चैनल में बहुत जिम्मेदारी से, अभी यहां पे जो मेरे भाई तो उन्होंने कहा कि 2013 से 2024 तक बीजेपी ने क्या किया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, इस सवाल का डायरेक्ट पॉइंटेड जवाब दें। 2013 में वफ एक्ट में सेक्शन 6 और 7 में आपने अमेंडमेंट लाके हमको वफ ट्रिब्यूनल जाने के लिए मजबूर किया कि नहीं? आज देखिए सुचरिता जी, किस तरह की डिबेट हो रही है आपके चैनल पे, क्यों कर दिया? कि अगर हमने किया तो आपने क्या किया? अरे पहले सवाल ये, आपने किया ही क्यों? आपने इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लाए क्यों? ये तो बहुत विद्वान है, इनसे पूछिए जरा, वफ एक्ट 1995 में सेक्शन 6 और 7 में सर क्या अमेंडमेंट हुआ था? क्या पर्सन एग्रीव्ड को और पर्सन इंटरेस्टेड को बदला नहीं गया? शब्दों का हेर फेर। देखिए जो आप उदाहरण दे रहे हैं विष्णु जी, ये उदाहरण इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये बात एक बार फिर चुनाव के समय उठी है कि क्या तुष्टिकरण एक तरीका है चुनाव जीतने का। मैं नाहिद जी आपके पास आ रही हूं, प्रोफेसर आगे नाहिद जी को लीजिए। नाहिद जी, संविधान की दुहाई आप लोग लगातार दे रहे हैं, इस चुनाव में भी दे रहे हैं, लेकिन संविधान ही धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कहता है, तो फिर वहां पर संविधान की बात नहीं होती है, जो कन्वीनियंट है वो कर लेते हैं। सुचारिता जी बोलिए प्लीज। बीजेपी कोई दल तो है नहीं, गिरोह है महाभ्रष्टाचारियों महाडकैतों के लिए। तो ये जो गिरोह है इसके लिए एक कहावत फिट बैठ रही है, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। जो जितना बड़ा चोर वो उतना बड़ा शोर मचा रहा है, और जो चोर शोर मचा रहा है और उसके आरक्षण खा गए इंडिया अलायंस वाले चोर, हम हाँ में हाँ मिला रहा है, इसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। आप बीच में बौखला कर बोलिए ना, बीच में मैं सबको शांति से सुन रही थी। सुचारिता जी आपकी जिम्मेदारी। नहीं बोल नहीं रहा, आरक्षण खा गए दलितों का, एसटी ओबीसी का, आप और चोर में हाँ में चोर हम। अच्छा ठीक है, शिवम शिवम एक बार उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद काउंटर करिएगा। मैं चाह रही हूँ नाहिद जी कि आप इस आरक्षण वाली बात पर बोले, क्योंकि ये यहाँ हो रहा है और कांग्रेस आपकी सहयोगी है, इसीलिए जो करेगी, और यूपीए में भी एक बार कोशिश हो चुकी है। इतनी जल्दी एसओ में तो आपने बोले, प्लीज बोले, आपने सबको बहुत टाइम दिया। नहीं, नहीं, आपको भी दूंगी, मैं तो जवाब हो नहीं सकता, आपको भी दूंगी। जो चोर दूसरे चोर के शोर में हाँ में हाँ मिला रहा है, उसे कहते चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है। अरे कहाँ चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे हैं? 84 में इसी कांग्रेस की 400+ सीटें थी, 60 साल इन्होंने राज किया भारत में, तब तो ऐसा कुछ किया नहीं, कहाँ चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे। अरे ये देखिए ना, मोदी सरकार ने क्या किया, बीजेपी सरकार ने क्या किया, अपने मोदी बंधुओं को जो है लाखों करोड़ देश की संपत्ति, देश का। मैम मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, आप उससे बच रही हैं क्या? तो आप उस सवाल से बच रही हैं क्या? मैंने कहा संविधान की दुहाई आप देती हैं। इतनी जल्दी
एक ही सेकंड में आपका। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ सवाल पर जवाब दें आप। संविधान की दुहाई जो पार्टियां देती हैं, वो इस बात को क्यों दरकिनार कर देती है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है? जो कर्नाटक में कांग्रेस कर रही है वो सही है क्या? सही है या गलत है, इस पर जवाब दीजिए। आप मुझे बोलने का टाइम दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, यही बता रही है ना? बिल्कुल। तो अगर धोबी, जो पुश दर पुश धोबी है, वो अगर अपने नाम के आगे अगर हिंदू रख दे तो उसको एससी एससी के आरक्षण का लाभ मिलता है। वहीं अगर मुसलमान धोबी है, पुश दर पुश धोबी है, उसको वो अपने नाम के आगे अगर मुसलमान लिख दे तो उसको एससी एससी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, वो ओबीसी के आरक्षण। मुसलमानों में जाति व्यवस्था कब थी, ये सवाल अभी आपसे पूछा विष्णु जी ने। नहीं नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हाँ बोलिए। अरे अरे वो छोड़े, प्रोफेसर आगे को लाइए। मैं उनकी बातों का सवाल जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं सब आप प्रोफेसर रागी को बुलाइए। अरे भाई मेरी बात नहीं नहीं नहीं, आप बात करिए, लेकिन मैं उनको स्क्रीन पर ले रही हूँ, वो अभी तक बोले नहीं है। तो फिर मैं हट जाती हूँ डिबेट से। नहीं जी, इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं, मैं आपसे सवाल आप ही से पूछ रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ क्या मुसलमानों में जाति व्यवस्था है? क्या वो बैकवर्ड क्लासेस में है? क्या वो ओबीसी श्रेणी में आते हैं? आप ये मुझे बता रही है। अरे कहां आप लोग बातें कर रहे? सच्चर कमिटी की रिपोर्ट, जस्टिस सच्चर कमिटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट बता दिया है कि मुसलमानों की जो स्थिति जो है दलितों से भी बदतर है। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और अपने अलमारी में बंद करके रिपोर्ट रखी हुई है, लागू क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? और ये तो वही बीजेपी है ना जिसके बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने, जो देश के भारत के मूल वासी थे, जिनको पहले किसान मजदूर कामगार कहा जाता था, उनको अपमानित करने के लिए पिछड़ा नाम दिया, उनको दलित नाम दिया, और सैकड़ों वर्षों से उनका राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से शोषण करते रहे। अरे जिनकी 72% आबादी है देश में, उनको 50% आरक्षण दिया जा रहा है, और जिसकी 6% आबादी है देश में उसको भी 50% आरक्षण दिया जा रहा है। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस और पूरा इंडिया, मतलब आप खुलकर कह रही है कि मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण में शामिल करना सही है? आप नहीं बोलेंगी, मैं आपके लिए बोल देती हूँ। एक बार प्रोफेसर आगी आपने सुना क्या कह रही है नाहिद? मुझे लग रहा है वो ज्यादा एडवोकेट कर रही है कांग्रेस, सही कह रही है कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा। शोर मचा रही है। ठीक है, नहीं मैं शोर नहीं मचा रही हूँ, उसको बात रखना कहते हैं। शोर कौन मचा रहा है? शोर वो दिख रहा है अभी 4 जून। नहीं नहीं नाहिद जी, मैं आपको हमेशा समय देती हूँ, लेकिन ऐसे हाईजैक मत करिए ना। एक बार प्रोफेसर आगी बोलेंगे। प्रोफेसर आगी,